दिन भर, हफ्ता भर, महीना भर, ये वर्ष कब से प्रारंभ हुआ, जीवन भर जो मेहनत चल रही, थोड़ा सुकून, थोड़ी शांति, विश्राम पाना है। शने शने उपरमय बुद्ध्या आत्मविधृतया। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ध्यान योग में, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। शने शने उपरमय बुद्ध्या आत्मविधृतया। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अर्जुन, अब चिंता मत कर, मैं हूं ना तेरे रथ में, तेरे सामने आगे हूं ना, तू रथी तो मैं सारथी। पार्थ, तो जो सांस चल रही है, वो हर सांस में वही कन्हैया, हर 6-7 सेकंड बात कर रहा है, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। जहां आत्मा वही परमात्मा, वो भी पीछे नहीं आगे सीने में खड़ा है। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। धीरज सब का मित्र है, करी कमाई मत खोए। इतना ही करे अब, थोड़ी देर, कुछ क्षण कुछ ना करे, सब हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम करेंगे तो ही होगा, नहीं हम शांत हो जाए तो सब हो जाएगा। भगवान समर्थ है, और समर्थ दमदार में उसकी शक्ति है, सामर्थ्य है। जो से जुड़ जाए, जो शक्ति मत के साथ हो, उसे शक्ति अपने आप प्राप्त हो जाए। जो सूर्य की ओर देखे, तो सूर्य प्रकाश अपने आप मिल जाए। तो प्रकाश से विमुख ना हो, सन्मुख हो। तो प्रयास पूर्वक गंभीर शांति, धैर्य, धृति, उत्साह समन्वित। ठाकुर कहते हैं, धैर्य भी हो, उत्साह भी हो, और दोनों समान हो। जितना धैर्य
उतना उत्साह कर्ता सात्विक उच्यते। मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धिर इत्येत। मन की प्रसन्नता, शीतल स्वभाव, सौम्य, चंद्रमा की नई, स्वयं पर नियंत्रण, और हृदय में शुद्ध सात्विक भाव, यह मानसिक तप है। इस मानसिक सात्विक तप में थोड़ा डूबो ले, थोड़ा गीला हो जाए इस प्रेम में, ओत प्रोत ईश्वर प्रेम, भागवत प्रेम, प्रभु प्रेम, योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेवम व्रजप्रियम धर्म संस्थापकम वीरम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। और साबु परिवार, सभी मित्रजन, भगवान के नाते हम लोग जुड़े हैं। वैसे मैं वाशिंगटन डीसी में स्थित गए पिछले 32 वर्षों से, लेकिन मुलाकात हुई और हम लोग गीता योग नाम से जो कार्यक्रम करते वहाँ पर वही करते हैं। आज का विषय आपने शायद समझा सुना होगा, सनातन धर्म का मार्ग ना, सनातन धर्म, उस पर थोड़ा विषय डालते। भगवद्गीता उसी के अंतर्गत आती है। ये आवाज ठीक है, ऐसे ज्यादा भर है तो। अच्छा, माइक को दूर रखे। अच्छा, इतना ठीक। पता नहीं, आदत नहीं है ऐसे हाथ में माइक लेकर। अच्छा, तो ऐसे कंफर्टेबल तो माइक लगा देते, ऐसा कैसे करना है? नहीं नहीं, तो बिना माइक के ट्राई करें किस माइक। अच्छा ठीक है, जैसे आप कहें, जैसी आगे हो, आपके रूप में प्रभु ही है बैठे हैं सनातन धर्म में हम सभी का। लेकिन क्षमा करिए, आदत नहीं है ऐसे, इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा अगर होता हो तो है ना। लेकिन अगर परेशान हो जाए तो बाजू रख देते हैं ना, तो कहते सनातन धर्म का मार्ग। जैसे हम लोग जब भैया लेने आए तब हम लोग बात कर रहे थे, तो आप अपने मित्र की बात बता रहे थे। ये तो धंधे चलते रहते, फैक्ट्री चलानी पड़ती है, बच्चों को बड़ा करना पड़ता है, वीकडे है वीकेंड। लेकिन अगर हमें मार्ग ढूंढना है, शांति पानी है, तो हम लोग बात चल रही थी, चालू खटखट में करना पड़ेगा। उससे याद आया कि अंग्रेज़ों के ज़माने की बात है, वो अंग्रेज घोड़े पर जाके जब गांवों में देहातों में जा करके चाबुक लेकर सब पर राज करते थे। ऐसे ही एक अंग्रेज, शायद राजस्थान की ही बात है, बाय द वे मैं भी राजस्थानी हूँ, जोधपुर का नाम है। पहले जोधपुर वाला थे हम लोग, तो फिर इधर महाराष्ट्र में आ गए, तो जोधपुर कर हो गया उसका। तो वो अंग्रेज पहुँच गए फिरंगी आदमी घोड़े पर बैठ करके, घोड़े को बहुत प्यास लगी, बड़ी प्यास लगी, घोड़े को पानी चाहिए, घोड़े को पानी चाहिए, किधर भी लगा पानी, इतना आसानी से नहीं मिलता। तो कहूँ बड़ी बाड़ी है कहीं, उधर जाऊँ, वहाँ पर वो पानी, वो रहट पहले ये रहता चक्र रहता था ना, उस पर वो बाल्टी बांधते थे, फिर वो गोल घुमा घुमा करके, तो वहाँ पर मिल जाएगा। तो पहुँचे साहब वहाँ पर, अभी कहाँ दूर से कि अच्छा इधर जाओ, जैसे जैसे नज़दीक जाए तो वो जो वो व्हील जो होता है
चक्र उसके खट 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 आवाज आती है ना, हाथ से घुमा दिया था तो वो अंग्रेजों का घोड़ा होनी कि जैसे वो बिदर के पीछे हट जाए, सामने जाने को खाली नहीं पानी दे, तो वो तो अंग्रेज फिर से ले जाए, फिर से खट 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 करके फिर से पीछे हट जाए। तो वो फिरंगी एकदम बौखला गया कि अरे इसको पानी पीना है, मेरे घोड़े को पानी पीना है, तुम ये खटखट बंद करो, खटखट में मैं है तो नहीं पानी नहीं पिएगा। तो बोलते साहब ऐसी बात है, ये पानी निकालने के लिए खटखट करना पड़ता है, तुम्हारे घोड़े को पानी पीना पड़ेगा, पर पीना है तो ये खटखट में ही पीना पड़ेगा, चालू खटखट में पी जो पी सकेगा वही पी, नहीं तो प्यासा रह जाएगा। ऐसे ही हमारे जीवन में ये संसार गृहस्थ धर्म में है, तो ये सारा जो माता बच्ची है कि चालू खटखट में ही नहीं तो प्यासे रह जाएंगे। सनातन धर्म का जो आत्मा की जो प्यास है, तेरी एक बूंद की प्यास है, जो गाना सुना था तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद की प्यास है, एक बूंद भी मिल जाए तो सनातन धर्म का विषय इसलिए कि वैसे वास्तविक जो मनुष्य धर्म है, हम आत्म रूप से आए और कुछ नहीं कर रहे, ये लग रहा है फैक्ट्री इतने के बच्चे बनाए इधर भेजते हैं, सभी काम एक ही कर रहे हैं लेकिन जाते नहीं, वो ढूंढ रहे हैं वो बूंद कहाँ मिलेगी, जो आत्मा का जो प्यास लगी है। इतना घर बना लिया, इतना नाम कमा लिया, इतने बच्चे बड़े हो गए, फिर भी पूर्ण नहीं लग रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रह गया, कभी ये बन जाता है काम तो वो रह जाता है, वो हो जाता है तो ये हो जाता है, तो शरीर स्वस्थ है तो मन में बहुत टेंशन हो जाता है, मन सब ठीक ठाक है तो शरीर नहीं साथ देता है, शरीर और मन साथ है तो फिर घर वाले किसी कारण से नाराज़ हो जाते हैं, वो सब ठीक रहे तो कोई कोई पंगे ले लेता है नेबरहुड में कोई, नहीं तो कोई पार्टी, नहीं तो कहीं युद्ध। 13वें अध्याय में भगवद गीता के हम लोग वहाँ पर ज़्यादातर भगवद गीता को लेकर के कत भैया जानते हैं, गीता योग नाम से जो कार्यक्रम होता है, 13वां अध्याय भगवद गीता में संपूर्ण ज्ञान का अध्याय है, उसका नाम है क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, मतलब आत्मा रूप से मैं देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, और मेरे बाहर जो भी वो क्षेत्र मात्र है वो मैं नहीं, वो मेरा नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो मात्र देखने वाला हूँ। वो तो सबसे माना जाता है शंकराचार्य और आदि संतों ने कहा कि इसमें जितना ज्ञान है ये संपूर्ण वेदांत है, अद्वैत वेदांत 13वां अध्याय है, लेकिन उसने भगवान एक बात कहते, एक पंक्ति आती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शनम, वो कहते हैं कि ये जन्म को जो आया, इसके पहले दूसरे शास्त्र में नारद मुनि कहते हैं कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम अन्य वैकुंठ प्रिय दर्शनम, ये जो मनुष्य जन्म जो मिला ये सबसे दुर्लभ है। ऐसी बात भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने घर के अपने जीवन के आखिरी दिन ये जो लीला समाप्त करते समय जीवन के आखिरी लीला के आखिरी दिन साथ में जो आखिरी व्यक्ति है उद्धव, दो तीन दिन पहले चिटनेस सेंटर में उद्धव के आप आए थे ना, उस समय जो मैंने बात की थी, उन्हें भी ये कहते हैं कि ये मनुष्य देह जो सबसे मेरी सबसे आविष्कार सबसे बड़ा आविष्कार है, इन्वेंशन द बिगेस्ट ग्रेटेस्ट चमत्कार है, आविष्कार है, इसलिए मैंने इसको मेरा घर बनाया है, मंदिरों में रहूँ ना रहूँ लेकिन यहाँ मैं अवश्य रहता हूँ। तो अगर भगवान को ढूंढना हो तो हृदय में ढूंढ लेना, और कहते तेरे हृदय में भी मैं हूँ, तो इधर बाहर तो ढूंढने के पहले अपने हृदय में, अगर हृदय में जाएगा अंदर में तो मुलाकात हो जाएगी। उसका नाम ऋषिकेश है, कृष्ण का एक नाम ऋषिकेश होता है ना, ऋषिक मतलब हृदय की गुहा, केव और ईश, उस गुहा में जो बैठा ईश है, जो भगवान है, ईश का अर्थ होता है जो शास्ता है, जिसमें दम है, जो शासन करता है, जिसके भरोसे पर सब चलता है, और जो मंगलकारी है ना, खाली रावण दुर्योधन के नहीं शास्त्री शास्ता नहीं लेकिन मंगलकारी जो है, ऐसा ऋषिकेश भगवान हमारे साथ में भी है, नज़दीक में भी है। तो कहते हृदय में है तो बाहर तो ढूंढो, ठीक है मंदिर बनाए हृदय में बना, मैंने अभी अयोध्या मंदिर बने और फिर वो जो हो गया ना इलेक्शन में, तो मैं खुद भी हिंदू हूँ, प्राउड हिंदू हूँ और भगवान को मानता हूँ, राम जी तो बिल्कुल राम और कृष्ण मेरे प्रिय इष्ट है, लेकिन मैंने एक बात पूछी मित्रों को कि तुम अयोध्या में मंदिर बनाए इतना बड़ा हो गया लेकिन अयोध्या में हार गए, अयोध्या की सीट नहीं मिली तो राम जी तुम्हें क्या संदेश दे रहे हैं। थोड़ा सोचने की बात है, कुछ तो संदेश होगा इसमें,
देयर मस्ट बी सम मैसेज राइट कि इतना सब किया लेकिन यहाँ कैसे हार गया था। तो थिंक अबाउट इट, तो भगवान खाली मंदिर में नहीं है, खाली पत्थर में नहीं है, मंदिर में भी है, पत्थर में भी है, लेकिन वो मंदिर और पत्थर वाले भगवान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रकट में हृदय में हूँ, है ना। उस पर से और एक चुटकुला याद आया, एक परमहंस योगानंद करके बड़े प्रसिद्ध योगी थे, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, है ना, योगी का कथामृत नाम के, जो जैसे ये चिन्मयानंद स्वामी थे उनके उनसे सीनियर थे और कई पहले, वो बंगाल के थे, 25 साल की उम्र में अमेरिका में गए और 60-62 साल तक अमेरिका में रहे। उनके बहुत हजारों हजारों अमेरिकन और अनेक देशों में गोरे सब उनके शिष्य हुए, बहुत बड़ा उनका सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप करके, तो अमेरिका में भी हम लोग भी जा चुके, बहुत ही सुंदर ऊंचे ऊंचे दर्जे के संत एकदम। तो जब यहाँ पर आए थे तो सब गोरे लोग क्रिश्चियन लोग उनके पीछे आकर्षित हो जाते, तो उनके साथ रहते, तो उनको एक जोक बताया था उन्होंने, ये मैंने कल एक सत्र हुआ वहाँ पर भी कहा था कि वो कहते थे कि मैं जा रहा था तो चर्च था बड़ा सा, इतने अमेरिका में बहुत बड़े बड़े चर्च होते, वहाँ पर एक मैंने देखा चर्च के बाहर एक गरीब सा आदमी रो रहा था, फुट फुट पर क्यों रो रहा था, रोता हुआ बैठा था। मैंने सोचा कि अरे ये चर्च के बाहर बैठ के क्यों रो रहा है, अंदर जाए रोना है तो चर्च के अंदर जाए कम से कम, और कहते रोना ही नहीं तो अंदर तो जा। तो ऐसे में सोच ही रहा था, उस समय और एक आदमी आया, वो लंबा सा था, बड़ा सुंदर था, वो भी गोरा था, लंबे बाल थे, दाढ़ी थी, और बड़े प्रेम से उसने उसके कंधे पर हाथ रख के पूछा क्यों रो रहे हो, क्या हो गया। तो कह रहा था मैं गरीब हूँ, मेरे पास कोई धन कुछ नहीं है, तो मैं चर्च में जाना चाहता हूँ, और चर्च में दोनों क्रिश्चियन थे, चर्च में सामने बैठ कर एक बार मैं जीसस के दर्शन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा अनुभव हो मुझे भी भगवान का, लेकिन वो लोग मेरे को आने नहीं देते अंदर, कहते तेरे लिए चर्च में जगह नहीं है, बड़े अमीर अमीर लोग सब बैठे हैं सूट बूट करके, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो ये जो आदमी था लंबे बाल वाला, उसके कंधे पर आप कहते डोंट वरी, कहते मेरी भी यही मुसीबत है, मैं खुद जीसस हूँ, मेरे को अंदर में आने नहीं देते। मैं भी कब से प्रयास कर रहा हूँ कि मेरे को भी मौका मिले कि मैं चर्च में चले जाऊँ, मेरे नाम से डंका है, डमरू बजा रहे, ढोलक बजा रहे, लेकिन मेरे को भी नहीं अंदर आने देते, उनको उधर ही, तो डोंट वरी मैं तेरे साथ बैठता हूँ साथ में। ऐसे तो इस सनातन धर्म का जो मार्ग है वो हमें ये रास्ता दिखाते हैं कि कैसे भगवान को पाले अपने ही अंदर, कैसे कितना मज़ा आएगा ना फर्स्ट क्लास की, जहाँ पर हमें वहाँ पर अगर भगवान मिल जाए और हमारे साथ रहे हमेशा किधर भी जाए, और कोई सामग्री नहीं लगे उसके लिए, वो विशेष व्यवस्था ना करनी पड़े, जिधर हम उधर वो, जैसे हम वैसे हम जो, तो उसके लिए हमारे अद्वैत वेदांत की जो सबसे प्रकांड जो धुरंधर माने जाते शंकराचार्य है ना, जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा करी, जिनको श्रेय दे सकते हैं कि उनकी वजह से हिंदू धर्म बच गया, जागृत है। तो उन्होंने कहा था कि ये तीन बातें ज़रूरी है इस अनुभव के लिए कि हमारा जो भी मार्ग है उसकी सिद्धि के लिए, एक थे मनुष्यत्व, दूसरा मुमुक्षुत्व, और तीसरा महापुरुष से संगम। शंकराचार्य की बातें हैं कि सबसे पहली बात है कि मनुष्य जन्म आवश्यक है, ये अनुभव कुत्ता बिल्ली पंछी को पेड़ पौधों को नहीं हो सकता, वो कि हमसे बुरे हैं गंदे हैं ऐसी बातें, लेकिन ये जो चेतना जागृत होती है, साक्षात्कार जो होता है, चैतन्य जो अपना खुद का अनुभव कर लेता है, इसके लिए भगवान ने यह विशेष आविष्कार किया, इस शरीर में ही इसकी ज़रूरत है। तो पहली कंडीशन है तो हमको मिल चुकी है, हम लोग सब यहाँ पे मनुष्य बैठे हैं, तो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की वो तो हो गई, अपनी काम हो गया उसमें, है ना। फिर कहते हैं मनुष्य तो बहुत होते हैं, लेकिन उतना उसमें दूसरी कंडीशन बात यह है कि मुमुक्षुत्व चाहिए। मुमुक्षुत्व मतलब मुक्ति की इच्छा, कि जिसे ये पता चले कि यार ये बंधन है, कुछ तो कमी है, पैसा तो बहुत हो गया, नाम भी बहुत हो गया, सब मानते हैं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बंधन तो है, पूर्ण तो नहीं लग रहा, पूर्ण लग रहा है अभी तक फिर भी। तो ये बात वो भगवान कृष्ण 13वें अध्याय में कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, 6 बातें कि जन्म से जो आता है कोई भी बच्चा, हम लोग सभी जब जन्म आए तो सबसे पहली बात, सबसे पक्की गारंटीड बात
जैसा जन्म वैसा लेते ही मरेगा बस पटाख से। इसमें कोई सॉन्ग उसमें कोई दो राय नहीं, अनिवार्य है। तो उधर ही खेल खत्म, क्लीन बोर्ड ये आया है अभी मर गए। हतो वा प्राप्त से सर्व जो दूसरे अध्याय में भगवद गीता के आता है कि जो आता है वो मरता है, जो मरता है वो आता है। तो जन्मों को आया तो मरेगा, तो ये इधर ही प्रॉब्लम हो गया। तो ठीक है भैया, भगवान इतना जन्मे जब तक मरे नहीं तब तक हमको शांति से रहो, हम अपनी फिर भी सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। बोलते नहीं तो वो तो ठीक है, लेकिन और में और एक प्रॉब्लम है, जन्मा वो मरेगा लेकिन जब से जन्मा जब मरेगा तब हर क्षण बूढ़ा होता जाएगा, जरा जर्जरी हो। जैसे जन्मा था बेबी स्किन कहते हैं ना, वो जॉनसन जॉनसन का लगाते हैं, इसको ज़्यादा शैम्पू अलग लगाओ क्योंकि एकदम हल्का सा है, ऐसे नहीं रहता। फिर तो अभी अलग से लगा के वैसे स्किन चाहते रहते। तो जन्मेगा, जो जन्मेगा वो मरेगा, और जन्मते समय से मरते समय से हर क्षण बूढ़ा होता जाएगा। एक क्षण भी जैसे नदी बहती जाती, नदी कोई सेम नहीं रहती, एक क्षण भी वही नदी नहीं रहती। हम लोग कहते हैं गंगा जी है, यमुना जी है, लेकिन एक क्षण भी वैसे की वैसी नदी नहीं थी। जो पानी आया था वो तो बह गया था, है ना। तो जन्म मृत्यु जरा, तो कह दिया भगवान ठीक है, तीन बातों में हम फिर भी अपना काम बना लेते हैं। तो भगवान कहते और एक प्रॉब्लम है थोड़ा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बूढ़ा तो होते रहेगा लेकिन बीच बीच में व्याधि आएगी, मतलब डिजीज रोग होगा, ये चिकनगुनिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, कोरोना हो जाएगा, वायरल हो जाएगा, ऐसा वैसा। शरीर से ही होगा ऐसे नहीं, शरीर स्वस्थ है लेकिन मेंटल इलनेस कितना होता है ना, टेंशन आता है, डिप्रेशन होता है, लोग बोलते नहीं उसके बारे में, कहते पागल है। ऐसे नहीं होता पागल, हम सब पर हर चार आदमी में से, हर चार में से एक के किसी भी समय कोई ना कोई बड़ा गहरा टेंशन होता है ना, किसी भी समय, ये पक्की बात है हर चार में से। तो शरीर का हो या आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक, जो भागवत में आती है, तीन में से चलते रहता है। तो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, तो कहते हैं चलो ठीक है भगवान, फिर भी तुम्हारा नाम लेके काम बना लेते कुछ ना कुछ, मतलब वो ठीक है। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख, तो शरीर को स्वस्थ कैसे, लेकिन कुछ ना कुछ कारण से दुख भी आएगा मन में। सब ठीक चल रहा है तो कोई आके बेवजह अपमान कर देगा, नहीं तो उठा के चोरी कर देगा, नहीं तो किसी का कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, एक कहाँ से उठपटांग बातें होगी शांति से। और दुख हो जाएगा अगर किसी को अपना दुख नहीं तो अपने वालों का दुख, मेरा ठीक लेकिन इनका ऐसा क्यों हुआ, ये मेरे वाले हैं। तो वो पांच बातें उधर भी नहीं, फिर और आ जाएगा उनके बीच में जो है थोड़ा थोड़ा बचा, उसमें भी दोष होगा, मतलब परफेक्ट नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट होगा। तो ये छह बातें जिसके ध्यान में आती है कि यार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा लगा हुआ है, उसको फिर कहते हैं कि नहीं इसमें कुछ सोल्यूशन होगा, जो सर्च शुरू ढूंढना शुरू होता है कि इसके लिए उपाय क्या है, इलाज क्या है, तो उसको मुमुक्षुत्व कहते हैं, मुक्ति की इच्छा, कि ये बंधन का अनुभव हो रहा है इससे छूटना है। तो मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व दो बातें होगी, इधर आते ही नहीं थे, मुमुक्षुत्व नहीं था तो संभव ही नहीं था ना, बिना बिन पुण्य पुंज सत्संग न हो ही। कहते जब तक पुण्यों का पुंज नहीं होता, जब तक अगर पाप होते, पाप का पलड़ा भारी होता है, तो वो जीवात्मा सत्संग तक पहुँच ही नहीं पाता। और अगर सत्संग तक पहुँच जाता है तो कोई जबरदस्ती, तो फिर पाप टिक नहीं पाता, ये दोनों एक जगह पे नहीं रह सकते, है ना। तो मनुष्यत्व है, मुमुक्षुत्व भी है, और महापुरुष से संगम तीसरी बात आती है, कि अगर कोई सतगुरु जीवन में आ जाए, या तो जो सिख धर्म ने बड़ी बहादुरी की, कैसे गुरु ग्रंथ को गुरु मान लिया, है ना, बड़ी बुद्धिमानी है कि मुख गुरु मिले न मिले हो न हो, लेकिन अपने गुरु के वचनों को मान लिया, गुरु के वचनों को गुरु समान मान लिया। जैसे हमारे सनातन धर्म में भगवद्गीता है ना, भगवान की वाणी है प्रत्यक्ष, ऐसी वैसी गीता नहीं है, कोई किसी ने लिखा हुआ गीत नहीं है, जिन्होंने लिखा वेद व्यास मुनि उन्होंने खुद ने लिखा कि ये गीता छोड़कर और क्या पढ़ रहे हो पहले, किमन्य शास्त्र गीता सुगीता कर्तव्य किमन्य शास्त्र विस्तर है। तो ये गीता छोड़कर इधर उधर पढ़ने का समय कैसे है, या क्यों, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मविनिस्मृत, जो भगवान ने खुद अनायास कह दिया उससे और बड़ा क्या हो सकता है।
तो पहले तो इसको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, गीता में रत होना चाहिए। तो ये तीन बातें जब आ जाए मनुष्य मोक्षत्व महापुरुष संसंग, तब हमारी यात्रा प्रारंभ होती है सनातन धर्म पर। चलो चलो, और फिर मन में प्रश्न आते हैं, वो आदि शंकराचार्य जो है ये तो नहीं सब लेकर के, लेकिन ये बातें और सभी सनातन धर्म के सभी शास्त्र में आती है, पुराण हो गीता हो। पहला प्रश्न मन में आता कहीं ना कि मैं कौन हूँ, है ना, जैसे रमण महर्षि का जो मार्ग था उस ज्ञान मार्ग, कहीं ना कहीं मैं इतना ही इतना शरीर हूँ बस, शरीर हूँ मर जाता तक जाती कहाँ हूँ मैं। मुट्ठी पर राख बन जाती है, पेड़ पर टंगा देते हैं, है ना, लड़का के आग लगा देते हैं, तेरा खून ही आखिर पगले तुझको आग लगाएगा देते, जो वो जो गाना था। तो ये एक ऐसे होगा कि मेरे को पता नहीं मैं कहाँ से आया, इधर क्यों टपक पड़ा, किसने भेजा मेरे को इधर, और ये भी पता नहीं कि कहाँ से आया, ये भी पता नहीं जाता किधर, मरने के बाद क्या होता है। तो ये जो पहला प्रश्न पड़ता है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, ना, यहाँ से कुतूहल शुरू हो जाता है, क्यूरियासिटी शुरू हो जाती है, यहाँ से जिज्ञासा शुरू हो जाती है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये पहला वचन है ब्रह्मसूत्र नाम के बड़े ज्ञान का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो जिसे कहा जाता है, जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र, उसमें पहला ही वचन है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अगर ब्रह्म की जिज्ञासा है तो इधर यहाँ से शुरू होता है। फिर दूसरा प्रश्न आता है, अगर अगर पता चलने लग जाए कि मैं शरीर, आज तक शरीर ही मानते थे, आईने में देख के अगर अपने को वही समझते थे, ये जब पता चलने लग जाए मैं शरीर नहीं हूँ, उसके बाद धीरे धीरे बोलते हैं कि दूसरा प्रश्न था कि भगवान कौन है। अच्छा समझ गए मैं, कह लिया मैं भगवान से आया हूँ, भगवान नहीं जानता, जो भी संत कह रहे गुरु कह रहे छात्र, भगवान है कौन, किधर है, कैसा देखता है, आदमी है, स्त्री है, पुरुष है, या निर्गुण निराकार है, ये सगुण साकार है या दोनों में से नहीं है, बूढ़ा है, जवान है, मुड़ का पंख लगाता है, या वो बस समाधि में बैठ जाता है, कैसे होता है ना। तो ये दूसरा प्रश्न पड़ता है, सभी दाढ़ी वाला है कैसे लंबे बाल वाला है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है। और तीसरा प्रश्न आता है फिर जब उसका अनुभव हो जाए, आत्मा और परमात्मा का जब साक्षात्कार हो जाए, आत्म साक्षात्कार, साक्षात मतलब प्रत्यक्ष, अक्ष मतलब आँखें संस्कृत में ना, स अक्ष साक्षात, आँखों से जब जैसे देखने का अनुभव होता है, जैसे हम लोग एक दूसरे को आँखों से देख रहे हैं तो पता चल गया कौन है कैसे है, ऐसे जब पता चले अपना अपना स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ शरीर नहीं, और ऐसे जब दिखाई दे पता चले भगवान, ये आत्म साक्षात्कार वो परमात्मा साक्षात्कार का आखिरी प्रश्न पड़ता है, तीसरा प्रश्न, अब मेरा और उनका संबंध क्या है, अपने आप को मैं समझ गया और उन्होंने को समझ गया भगवान है, तो अभी हाउ आर वी रिलेटेड टू ईच अदर, मेरा उनका संबंध क्या है ना। ये तीन जब पता चल जाए फिर थोड़े से कोई होते हैं कुछ कुछ उनके सामने, और एक बाकी प्रश्न पड़ता है कि ये तो फिर हो गया, फिर पूर्ण जीवन की कमाई हो गई, समझ गया जिसके लिए आते, अब बाकी का जीवन क्या करें, 70-80 साल जीने वाले होंगे, वो 50-48 साल हो गए, सपोज 98-108 की लग से 108 की उम्र बिना भैया की, तो उसमें से 48 हो गए, तो अभी तो बहुत लंबी आयु बाकी है, तो अभी बाकी क्या करें, बस यही धंधे करें, फैक्ट्री चलाए, क्या करें, है ना। तो फिर उसका उत्तर मिलता है स्वामी विवेकानंद ने उपनिषदों में से दिया था, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, कि पहले अपनी छुट्टी करें, अपने मोक्ष की प्राप्ति करें, वो मिल जाए फिर जगत के हित के लिए, बस जो अपने को प्रसाद मिला वो दूसरे, अपने घर में आरती करते तो प्रसाद आरती लगाने खुद खा लेते, सब पता से लाई पेड़े दही ना, और दूसरों को भी बांटते हैं क्योंकि उनके मिल गया उनका प्रसाद ना। तो आत्मनो मोक्षार्थम, अपना मोक्ष प्राप्त कर जगत हिताय च, तो इसलिए ये सारा जो सिखाने वाला ले जाने वाला जो मार्ग है, इसे सनातन धर्म का मार्ग कहते हैं। जैसे हम लोग हिंदू हैं सभी, मैं खुद भी हिंदू, लेकिन हिंदू वास्तविक धर्म नहीं है ना, ओरिजिनल धर्म नहीं हो, हिंदू उतना ही धर्म है, उतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही बड़ा और महान है जितना इस्लाम है, क्रिश्चियन है, यहूदी है,
जो कुछ भी सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, ये सभी अपनी अपनी जगह पे ये बाबी भागवत में भगवान कहते, भगवान खुद कहते हैं, हिंदुओं के भगवान ठाकुर जी खुद कहते हैं भागवत में कि नहीं नहीं अपनी जगह पे सब संत, सब गुरु, सब धर्म अपनी अपनी जगह पे ठीक है, किसी की निंदा टीका में नहीं लाभ नहीं होता। और उस हिंदू धर्म, हिंदू नाम एक बार शब्द एक बार भी नहीं आया ना भागवत में ना गीता में, तो हम लोग भी उतने ही श्रेष्ठ है जितने और लोग भी श्रेष्ठ है। ऐसी बात नहीं कि हम ज़्यादा ज़्यादा ऊँचे है, ज़्यादा ऊँचे दर्जे के हैं, लेकिन हम सब जो है हिंदू सिख मुस्लिम ईसाई क्रिश्चियन तक हम सभी उस सनातन धर्म में आते हैं। तो एक एक जो ओरिजिनल सनातन का अर्थ होता है ओरिजिनल, सनातन शब्द संस्कृत शब्द का था जो इतना ओरिजिनल कि वो कभी कम नहीं होता, वैसा का वैसा फ्रेश रहता है, हमेशा रेलेवेंट रहता है। उसका अर्थ होता है जो ओरिजिनल हमारी क्वालिटीज जो है, जो हमारे शास्त्र में सच्चिदानंद शब्द सुना होगा, सच्चिदानंद है ना, सच्चिदानंद शब्द से जान जाते हैं, सत चित्त और आनंद तीन से सत, तो वो विषय अलग है, किसी अगली बार उस पर कर सकते हैं। तो ये सब में है, काला हो, गोरा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, हमें अंतर नहीं है, ओरिजिनल में अंतर नहीं है। ऊपर ऊपर से कपड़े किसी ने हरे पहने, किसी ने नीले पहन लिए, ऊपर ऊपर से कोई ये भाषा बोलता है, कोई वो भाषा बोलता है, ये जिसने अपने गुरु ने अपने को जो बोल दिया वो मंत्र जपता है, किसी गुरु ने बोल दिया कि शुक्रवार के दिन खाना नहीं खाना, और दूसरे के गुरु बोलते खाली शुक्रवार के दिन खाना खाना, इस दिन पानी नहीं पीना, बोलते इस दिन जितना पानी पीना, पाँच ऐसे है ना ये परस्पर विरोधी है, 5 बजे के बाद सूर्यास्त के पहले जितना खाना खा लो, सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं खाना, और उसके उल्टा वाले कि सूर्यास्त तक कुछ नहीं खाना, सूर्यास्त होने के बाद ही खाना है ना। तो इनमें से कोई एक गधा है दूसरा होशियार, ऐसी बात नहीं है, जिसने भी अपने अपने मार्ग से पा लिया वो कहते हैं, तो सब सबको लेकर के चलना ही सनातन धर्म को शोभा देता है, क्योंकि वास्तविक सब एक में ही आते हैं, और उसको लेकर को चलेगा वो सब पहुँच जाएंगे। तो ये सारी बातें समझने के लिए हमारे शास्त्रों में सनातन धर्म में आदि शंकराचार्य जैसे जो गुरु हो गए बड़े बड़े, 5 प्रमुख माने जाते हैं ना, जो शंकराचार्य है, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य, ये 4-5वें बंगाल के जो गौड़पाद आचार्य चैतन्य महाप्रभु गौरांग नाम से जाने जाते हैं, इसको आता है ना हरे कृष्ण वालों का, वो जो दो हाथ ऊपर करके जो दिखाई देते हैं ना, और दो में से एक जो है पीला पीताम्बर जो पहने हुए होते हैं, वो गौरांग संत हो गए 550 साल पहले बंगाल में, तो उनका नाम चैतन्य था, तो उनके वो नीला वस्त्र पहने उनके बाजू में रहते, वो कहते हैं उनके बड़े भाई थे, तो वो अवतारी थे राधा कृष्ण के, दोनों के अवतार, एक ही बार ऐसा हुआ जो राधा और कृष्ण दोनों एक अवतार में आए, तो वो ऐसा मानते उनको। तो 5 शंकराचार्य, निम्बार्काचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य और ये जो गौरांग, और भी हो चुके हैं गोविंदाचार्य वगैरह, लेकिन ये प्रमुख। इस सबों ने एक बात अलग अलग मांगे, इनके किसी का अद्वैत है बिल्कुल एकदम स्पष्ट है कि दो नहीं एक ही है, और उतने ही तेज उतने ही समर्थ गुरु दूसरे का कहने नहीं द्वैत है, सुनते द्वैत मार्ग या अद्वैत मार्ग है, दो है या एक है, भगवान और मैं अलग हूँ या भगवान मैं एक हूँ, है ना इसमें से। तो और कि कोई कहता विशिष्ट अद्वैत है, कोई कहता है इनका गौरांग अचिंत्य भेदाभेद, अलग अलग थियरीज है अपने अपने अनुभव से, लेकिन एक बात पर भी 5 सहमत है कि जैसे किसी भगवान की प्राप्ति के लिए हमारे धर्म ग्रंथों में 3 प्रकार के मार्ग हैं, 3 गेट्स जैसे ना, इस सामने से भी जा सकते हैं, पीछे से भी जा सकते हैं, एक साइड में भी दरवाजा है, तो नीचे बेसमेंट में से चले जाना है, ऐसे 3 मार्ग, या तो छप्पर पर जाके उधर से कूद जाना, 3 मार्ग है, प्रस्थान कहते हैं उसे संस्कृत में, जैसे हम एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, लिखा था ना प्रस्थान गेट मतलब, तो प्रस्थान त्रय ऐसा, ये वर्ड फेमस है हमारे शास्त्र में सनातन धर्म में, त्रय मतलब 3 प्रकार से इस मार्ग पर चल सकते हैं कहते हैं। तो एक होता है पहला लिखता है न्याय मीमांसा, दूसरा होता है श्रुति मीमांसा, और तीसरा होता है स्मृति मीमांसा।
इसलिए कह रहा हूँ कि आज का विषय सनातन धर्म कमा के आपके सामने प्रकट, कितना हमारा धनवान, कितना समृद्ध धर्म है सनातन, इतना गहरा सोचा हुआ, इतने उपलब्ध है कि सचमुच परम शांति मिल सकती है। सचमुच में इसी जन्म में 84 लाख काटने की जरूरत नहीं, इसी जन्म में परमात्मा का अनुभव हो सकता है। माइक पे कह रहा हूँ, बैठ के कह रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहे थे कह रहे हैं ना, तो पक्की बात है बिल्कुल। तो भैया तो आकर के मिल भी चुके हुए उधर, तो तीन में से जो मार्ग अपने अपने गेट से जो भी विमान हो जिधर से जाना है चले जाए ऐसे कहते हैं। तो एक न्याय विमान समझो जो ज्ञान प्रदान होता है, जिस एनालिटिकल थिंकिंग हो, लॉजिक से ही जो मान सकते हो, तर्क से, है ना। ऐसे इधर वो भगवान ढोल बजा रहे, 24 घंटा भजन ही करे जा रहे, धमाधम मंजिल कीर्तन कुटती जा रही है, तो निर्जला एकादशी कर रहे, पानी भी नहीं पी रहे, मरने को आ गए, डॉक्टर बोल रहे इनको सलाइन लगाओ, तो सलाइन लगाया तो निर्जला कैसे हो गई, नहीं हमने जीभ से मुँह से कुछ नहीं दिया। तो ऐसे जो भी ऐसा जो तर्क करते हैं कि नहीं नहीं ये मार्ग नहीं बराबर है, भगवान इससे नहीं मिल सकता, उनके लिए भी भगवान का मार्ग है, उसको न्याय मार्ग कहते हैं, ज्ञान मार्ग, है ना। कि हाँ तर्क से भी तुम समझ सकते हो, पक्का समझ सकते हो। मैं तो साइंस से कहूँ, इंजीनियरिंग से कहूँ, 30 वर्ष तक अमेरिका में कॉर्पोरेट अमेरिका में रह चुका हूँ, है ना। मेरी बेटी अभी PhD खत्म कर रही है, मेरा बेटा दे, तो हम लोग तो बिल्कुल विज्ञान से जुड़े हुए हैं एकदम। तो 100% 100% सिद्ध कि ज्ञान विज्ञान से, आज का विज्ञान जितना प्रगत विज्ञान है सच में उतना ज़्यादा मानता है अभी कि कोई शक्ति है जो सब में है, जो हम अभी जानते नहीं है, जान सकते नहीं है, बिल्कुल पक्की बात। ये अलग विषय है, लेकिन अगर किसी कभी मौका है तो मैं डिटेल में विज्ञान से भी, तो ये न्याय मीमांसा है जिसमें प्रमुख शास्त्र हमारे शास्त्र में धर्म है, वो जो मैंने कहा था ब्रह्म सूत्र नाम का, तो इसका उल्लेख भी भगवद गीता में उसी 13वें अध्याय में आता है, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, कि भगवान कहते हैं अर्जुन को ये ज्ञान की बातें अगर तू चाहता है तो वो ब्रह्म सूत्र में पढ़ लेना, उसके जैसे और भी है, अष्टावक्र संहिता नाम का एक ग्रंथ है, सीता माता के जो पिता थे जनक राजा, वो 60 साल की उम्र में उनके 16 साल के गुरु थे, वो खुद 60 साल के उनके गुरु 16 वर्ष के, उन्होंने जो उपदेश दिया उससे उनको ज्ञान का अनुभव हुआ, वो अष्टावक्र मनी उन्होंने जी को अष्टावक्र संहिता है, अथवा तो योग वशिष्ठ महारामायण का नाम सुना होगा शायद। रामायण मतलब रामायण की कथा नहीं, तुलसी रामचरितमानस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उनके राम जी के गुरु जी जो थे वशिष्ठ मुनि ब्रह्म ऋषियों में से, सप्त ऋषियों में से, उन्होंने जो राम जी को 17 साल की उम्र में शिष्य जो थे, अभी सीता वगैरह कुछ नहीं, ब्याह नहीं हुआ था, कह कहने अभी ड्रामा नहीं करा था कुछ, मथुरा ने उसका मन नहीं फेर दिया था, खाली 17 साल के थे उस समय लिखे, इतने बड़े दो ग्रंथ है योग वशिष्ठ महारामायण के, ऐसे जो ग्रंथ है योग वशिष्ठ अष्टावक्र संहिता ब्रह्मसूत्र, ये न्याय में आते हैं। जो कहे जो नास्तिक स्वभाव के होते हैं, जो कहे कि नहीं यार भगवान भगवान नहीं है, अपना बस अपना खाओ पियो ढंग से जो सब लोगों को हर्ट न करे, उनके लिए भी भगवान का अनुभव संभव है। दूसरा मार्ग है श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, सुन सुनकर। जैसे अभी हम मैं कुछ कह रहा हूँ आप सुन रहे हो, है ना, तो गुरु किसी के गुरु कुछ कहते हैं वो शिष्य सुनते हैं, किसी संत ने सत्संग दिया वो सुनते हैं, अथवा टेलीविजन पर नहीं तो टेप रिकॉर्डर पर हम लोग लगाते थे, CD लगाते थे कि किसी का कुछ सुना, सुन सुन कर जो होता है वो महामार्ग है, उसका हाईवे का है, सबसे ज़्यादा ट्रक है, अभी गली गली में इतनी नहीं मिलेगी, अगर हाईवे पर लग जाए तो एक गट्ठे से ट्रैफिक है ना, कितनी कितनी की गिनती नहीं उसकी, सबसे ज़्यादा लोग इधर से उधर जाने वाले हाईवे पर जाते हैं। ऐसे श्रुति मार्ग जो है वो सबसे कॉमन है, सबसे ज़्यादा लोग उसमें मिलते हैं, सुन सुनकर, क्योंकि जब उसमें ज़्यादा अपनी अकल को ज़्यादा टेंशन नहीं देना पड़ता, ये समझ में आता है कि जो बैठे शायद इन्होंने बहुत समय बिताया है, अभ्यास कर लिया है, पता चल रहा है, तो वो जो कहते हैं वो मैं कर लूँगी, वो कहते ये मंत्र करो या ये शास्त्र पढ़ो या ऐसा ऐसा करो, चलो कर लेते, वो करते 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 धीरे अपने आप को भी शांति मिलने लगती है, हम भी ध्यान करना सीख जाते हैं, हमें भी अनुभव होता है कि हाँ नहीं कुछ तो है बराबर है, और ये इसमें कुछ नहीं रखा है। इनसे भैया से जब भी बातें होती है तो एक पहले 5 मिनट में वो विषय निकल जाता है, 5 मिनट के 2-3 मिनट में अध्यात्म का विषय निकल जाता है कि ये सब तो ठीक है लेकिन बिल्कुल बचपन से, है ना। तो ये जब
सुन सुन कर जैसे आपने अलग अलग संतों के नाम बताया, जिनमें आनंद स्वामी के जो सत्संग में तो राम सुखदास जी महाराज है ना, राम सुखदास जी महाराज अनेक आज के सबसे श्रेष्ठ संतों में से गीता प्रेस गोरखपुर के जो थे, अभी नहीं रहे वो लेकिन 100 साल जिए ना, तो मैं खुद उनका बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस बाय है उनका, मेरे उनके शास्त्र पढ़ पढ़ के मेरे दिमाग में बहुत अकल आई है उनके मार्ग पर चलते हुए। लेकिन ये सब सुनकर ही तो हुआ तुम्हारा भी मेरा भी इतना सुन सुन करते, श्रुति मार्ग का भी बहुत महत्व है। इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा ग्रंथ आते हैं 18 पुराण, जैसे भागवत पुराण, स्कंद पुराण, देवी पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण, नारायण नारद पुराण, पद्म पुराण, जिस सबके पुराण में पुराना नंबर पुराने हो गए, पुराने लोग हैं तो पुराण जो पहले से चला है अनुभव लोगों के जो हजारों हजारों वर्ष से जो कथाएँ चल रही है, किसी ने किसी को बताया वैसे के वैसे, अभी भी बच्चे को भी रामायण की कथा बोला तो वैसे के वैसे बताएगा वो जो जानता है ना। तो ये कैसे चमत्कार है, 10,000 वर्ष से ज़्यादा हो गए लेकिन बिल्कुल और कहीं लिखे हो ना हो लेकिन सुनते हैं, तो ये श्रुति कही जाती है। इसी के अंतर्गत वेद जो कहते हैं, वेद है द्विवेदी है, त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, इसका अर्थ ये दो वेद जानते हैं, तीन वेद जानते हैं, त्रिवेदी चतुर्वेदी चारों वेद जानते हैं, इसको वेद पंडित है या मंत्र जाप जानते हैं, ये सब सब उसमें आ जाते हैं श्रुति मार्ग में। सबसे ज़्यादा ग्रंथ भी है, सबसे ज़्यादा लोक भी है उसमें। और तीसरा मार्ग जो होता है जिसे स्मृति कहते हैं, स्मृति मतलब याद आना है ना, समझ गया जैसे मैं अभी कोई भूल गया था, अगर मैं अभी मैंने उस दिन पता नहीं आप थे नहीं उदाहरण दे रहा था कि अगर मैं यहाँ बैठे बैठे ये होने के बाद मैं भूल ही गया खुद को कि मैं कौन हूँ, जो प्रश्न है मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या, कहाँ से आया हूँ, मैं अभी बाजार नगर से भैया ने पिकअप किया, कहाँ जाना है, इसके बाद जाना किधर है मेरे को, और इधर किस लिए आया हूँ मैं, मेरा संबंध इनसे हमें कौन है, मतलब मैं किसी को नहीं पहचानता, ये सब क्या है। अगर ऐसा होता है ना, लोगों को डिमेंशिया होता है या कोई एक्सीडेंट में वो यादगाश्त खो देते हैं, अगर मैं भूल ही जाऊँ सपोज इस बात के बाद में, तो आप में से कोई बताए कि अरे ये तो सब ये तेरे मोबाइल में लिखा है सब कॉन्टेक्स्ट, पढ़ पढ़ते जा, सोच इसके बारे में, सोच सोच सोच, नहीं तो ये किताबें पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत सोच रहा हूँ बहुत सोच रहा हूँ, और थोड़ा थोड़ा समझ रहा है कि शायद मैं आदमी हूँ, मेरा नाम ये है, कुछ कहीं रहता हूँ, लेकिन पूरा अनुभव नहीं हुआ मैं कौन हूँ उस बात का थोड़ा, या तो फिर कोई कहे सुन मेरी बात मैं बताता हूँ, हम लोग अमेरिका में आए थे तब मिले थे, मेरी बेटी ऋचा है वो तो गीता योगी, वो सब सुन सुन के थोड़ा अगर समझ लग जाएगी अच्छा शायद पता नहीं मैं इस मुल्क का नहीं हूँ, इधर पला तो हूँ लेकिन अभी पिछले 32 साल वाशिंगटन DC में हूँ, ऐसा कुछ थोड़ा थोड़ा सुन सुन के समझने लग जाए श्रुति मार्ग। लेकिन अगर कोई झटका बैठे, कोई आकर के एक चपाट लगा दे या कुछ दीदी कुछ रगड़ दे पेड़ा खा लो कहीं पर, वो खा के एकदम याद आ जाए खटाक से कि अरे पगले ये तो मैं तो जीतू हूँ, जीतू भाई जीतू दादा जो भी कहते हैं, मैं तो एकदम एक झटके में सब याद आ जाए, होता ऐसे होता है जब याद आ देंगे मैं यहाँ का नहीं वहाँ का, वैसा वैसा फिर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं उसके बाद कि अपने बारे में, और कुछ सुनने की भी ज़रूरत नहीं, उल्टा मेरे से ज़्यादा वो भी जानेगा मेरे बारे में, उल्टा मैं सबको बता दूँ अपने बारे में, है ना, क्या वो स्मृति आ गई। ये बात किस लिए कहा, न्याय या ज्ञान की ज़रूरत नहीं रही और श्रुति सुन सुन के पढ़ पढ़ के की जरूरत नहीं रही, क्योंकि खटाक से याद आ गया मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए यहाँ पर हूँ। तो ऐसा भी एक मार्ग है जिससे स्मृति जागृत होती है, जागृति होती है, जाग जाते हैं, जैसे सपने में 2 बजे सपना शुरू हुआ 3 बजे रात के ख़त्म हुआ, उस समय क्या क्या मसाला भर रहा है ना, कपड़े कहाँ से उल्टे टंग जाते हैं, कितना तमाशा करते हैं, कोई अच्छा होता है कोई बुरा होता है, कोई चोरी करता है कोई पैसे दे के जाता है, 100 लोग इधर वाले हैं 50-5 इधर वाले, क्या 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 नौटंकी रोज की नई खड़ी हो जाती है, उस समय दुख होता है लगता है, टेंशन आता है ना सपने में, डर लगता है ना, ये तो फिर बड़े मजे में मेरिट में आ गया, उसको फर्स्ट क्लास फर्स्ट हो गया, बेटे को सब जिधर चाहिए थे एडमिशन मिल गई, लॉटरी लग गई, ये भी खुशी भी हो जाती है सपने में, और फिर जब उठ जाते अचानक जागृत हो जाते अलार्म बजता है कि उठा दे तो एकदम उठा रहे, इसमें से कुछ भी सत्य नहीं था, सच नहीं था, न बुरी बातें थी, न कोई अच्छा था, न बुरा था, सब सब का सब झूठा था, उस समय सच लग रहा था, एकदम सच लग रहा था,
कोई नहीं कह सकता वो सच्चा नहीं था, झूठा है वो, है ना। उस समय बिल्कुल सच था, लेकिन उसी समय एक दूसरा सत्य ये था, बड़ा सत्य, कि उस बड़े सत्य में ये सत्य सत्य नहीं था। अगर मैं जागृत हो जाता था, उसी समय उसी पलंग पर सोया हूँ, उसी कमरे में हूँ, उसी के बगल में हूँ, अगर मैं जाग जाता था, जागृत महापुरुष कितने जागने में जिनकी रति है, जो जाग चुके, तो पता चलता था कि अरे यार ये सब मेरे खोपड़े में जो था वो कुछ नहीं था। अच्छा उसमें वो बनाया किसने था, कहाँ से आ गए थे मेरे दिमाग में, 100 लोग आए किधर से थे, कौन थे, तू ही था, तूने ही बनाया थे, तू ही था, तू ही टंगा था, तू ये सब नौटंकी कर रहा था, वो गए किधर, 2 बजे आ गए, कहीं से आ गए, 3 बजे खत्म गए, गए किधर, किधर नहीं गए, जिधर से उधर ही गए, आए किधर, किधर से नहीं आए, तेरे से आए, फिर गए भी तेरे में, तो मेरे से आए, मेरे में गए, और पूरा समय मैं ही था। सच्ची बात है ना, इसमें कोई ज़्यादा न समझने की बात, मैं ही था हर समय। और अपने आप को कितना परेशान कर लिया था, कितना एक्साइटेड हो गए थे अच्छे बुरे से, ऐसे जो है जो भगवान का हमारा वो सपना है, हमारा वो संसार है, भगवान का ये सपना है, भगवान का ये संसार है, जैसे हमारे खोपड़े में हमारे स्वप्न पात्र मसाला बन जाता है, ऐसे उसके ये 10वें अध्याय में भगवान गीता में ऐसी बातें करते हैं। मद भावा मानसा जाता लोका एषा विमां प्रजा, ये मेरे भाव से उत्पन्न हुआ है, मेरे विचारों से संसार उत्पन्न हुआ है, ये सब मेरे विचार है, ज़्यादा परेशान मत हो इसमें, वास्तव में मैं ही तुम में हूँ, तुम ही मेरे में हो। जैसे सागर में 10,000 लहरें दिखती है ना, लाखों लहरें दिखती है, हर लहर अपने आप को अलग मान लेती है, कोई छोटी है, कोई बड़ी है, कोई लंबी है, कोई गहरी है, वो बनती है तो एक्साइटेड हो जाती है, टूटती है तो फिर मर गए करके पत्थर पे, वो टुकड़े हो गए, मर गई ये लहर, मर गई, अरे अरे ये लहर मर गई, और मर गई तो उसी पानी से तो दूसरी बनी, कैसे है ना, उसी जल से बनती है ना दूसरी लहर या तीसरी लहर। तो इस लहर में, उस लहर में, किसी भी लहर में, किसी अभी नहीं 10,000 साल पहले जो लहर थी, और 100 साल बाद जो लहरें होंगी, इधर वाले भी और कतार में जो है उसी साथ, सभी लहर में है कौन, हर समय वो एक जल मात्र है ना। वो पानी तो लहर बना है, थोड़े समय के लिए उसको शेप मिल गया, हवा ने धक्के दिए, उसको आकार मिल गया, और आकार को नाम रख दिया ये लहर है। ऐसे इस जीवात्मा ने परमात्मा को एक धक्का मिल गया अहम का, मैं हूँ का, मैं भी कुछ हूँ, हवा का धक्का अहंकार का, तो इसको रूप मिल गया, और उसके किसी ने नाम रख दिया कि ये विनोद साहू है, ऐसे करके फिर उसी में पक्का हो गया मैं लहर हूँ। अपने विशाल तत्व को, अपने सागर तत्व को, अपने समुद्र होने को भूल ही बैठे, छोटा सा बन गया, और छोटा सा बनकर बड़ा होने का प्रयास करें, नहीं नहीं हमारे और भी दूसरी और 10 फैक्ट्री बना सकते हैं, और प्रोडक्ट, और परदेशों में भी जा सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बेटे हो सकते हैं, बड़ा 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 होने का प्रयास करें, है छोटा, खुद को छोटा बना लिया। इस छोटेपन को अगर छोड़ दे अपने, है ना, त्याग त्यागे नैव अमृतत्वम उपनिषदों में आता है, छोड़ने से ही प्राप्त होगा, कैसे रहस्य की वाणी है, मिलाना चाहते हैं ना, प्राप्त करना चाहते हैं, वो तो कहते मिलाना चाहते हैं तो छोड़ना पड़ेगा, त्यागे नैव, त्याग से ही प्राप्त होगा। जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अपना 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 मैं मेरा तू तेरा जो समझ रहे, उसको जब छोड़ पाएंगे तब बाकी जो है वो सब तेरा ये ध्यान में आ जाएगा। तो एक घर को छोड़ेंगे तो सारे ब्रह्मांड का मालिक बन जाएंगे, इसको तेरे, इस पर लेबल नहीं लगा दे, चिपका नहीं दिए, मेरा है, ऐसा अगर न हो तो फिर इसका अनुभव होगा ऐसे, इसलिए वैराग्य की महिमा गई है, वैराग्य को अनिवार्य है, वैराग्य आवश्यक है अनुभव करने के लिए परमात्मा के। वैराग्य मतलब ऐसे गेरुआ कुछ पहने के अपनी गुफा में बैठे ऐसे नहीं, वो कहाँ कि बस नहीं, अपना नहीं कुछ माने, है ना, बाहर के संसार को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। अमृत ये अर्जुन तो छोड़ के जाना चाहता था ना, सब लोग जाते कर शुरू में कहते नहीं हो, मेरे को नहीं करना है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, भीख मांग के खा लूँगा, मैं राज्य नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। और उसको तो कमीज पकड़ के खींच के वापस लाया, कृष्ण भगवान ने चल चल इधर खड़ा रहे, तेरे को तो करना पड़ेगा काम, तो करना पड़ेगा, नहीं मेरे को संसार नहीं चाहिए। तो संसार तो ये बाहर का संसार छोड़ के वैराग्य लगा, लेकिन अंदर के संसार पर क्या करेगा, उधर जाके बैठेगा फिर भी बौखला जाएगा,
न्याय अन्याय छोड़ना है तो अंदर के संसार को छोड़, बाहर के संसार में बिल्कुल बैठा रहे और इधर जो कर्म है सामने कर पैसे। इसलिए चालू खटखट की बात जो आती थी प्रारंभ की, चालू काम बनाना है तो चालू खटखट में ही बनाना होगा। बाल बच्चों को छोड़ के नहीं भागना है, अपने घर परिवार का तो उपहास नहीं करना है, इनका त्याग नहीं करना है, अपने मन में जो मसाला बना लिया है मैं मेरा मैं तू तू तेरा इसको छोड़ना अलग करके, तो फिर अपने पूर्णत्व का अनुभव हो सकता है। तो ये जो अगर समृद्धि आ गई अपने वास्तविक स्वरूप की, तीसरा मार्ग है, पहला हमने कहा श्रुति, पहला था न्याय, दूसरा श्रुति स्मृति। तो उसमें प्रमुख ग्रंथ माना जाता है सबसे बड़ा सबसे मेन, यहाँ तक कि ऑलमोस्ट एक ही है उसमें, उसका नाम है भगवद गीता, जो हम सब ने सुना है, जो गीता एकदम खटाक से याद दिला देती है कि अरे ये पावी कैसे कैसे। अर्जुन का आखिरी श्लोक है गीता में 18वें अध्याय में मोक्ष संन्यास योग में, नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध्वा, वो शब्द का उपयोग करता है, तत्प्रसादात्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेह करिष्ये वचनं तव, कि अरे मेरे बाप अभी याद आ गया, ओहो मैं इधर से आया था, मैं यूँ ये क्या काम फंस गया था, पचड़े में मैं क्या रो रहा था, क्या क्या कर रहा था, कार्पण्य दोषो भरत स्वभाव। दूसरे अध्याय में यही अर्जुन लड़खड़ा रहा था, रो रहा था, आंखें भर रही थी, कांप रहा था, कह रहा मैं डर गया हूँ, अर्जुन जैसा महारथी जो आज तक कभी उससे सब डरते थे, वो कह रहा मैं डर रहा हूँ, मैं कन्फ्यूज सम्मोहित मेरे को समझ नहीं रहा, इतना बुद्धिमान। और वो ये भगवद गीता के यात्रा से जो जब चल पड़ा तो वही कह रहा कि हाँ ये हट गया मोह जो हुआ था, उल्टा ज्ञान जो हो गया था ये छूट गया, स्मृति और लब्ध अब याद आ गया, मानो मैं जाग गया। जो कोई नींद में बातें करते हैं, नींद में परेशान होकर कोई रोने लग जाते हैं, उनको जब उठा दिया रहे उठ 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 करके दो थप्पड़ लगा के पानी डाल के वो खड़ा है, जाग के गया, ओह अच्छा सारी 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 मैं ना कुछ कुछ का कुछ देख रहा था समझ रहा था करके, अब पता है ना हम ओके क्योंकि अभी पता चल गया मैं कौन। ऐसे वो कहता है कि तेरे प्रसाद से अच्युत भगवान, अच्युत कृष्ण भगवान का नाम है और 1000 नामों में से एक है, अच्युत मतलब जो कभी गिरता नहीं, जो कभी कम नहीं होता, कभी सड़ता नहीं, गलता नहीं, कम नहीं होता, गिरता नहीं, चुत नहीं होता, अच्युत नेवर डिग्रेडिंग है ना, नेवर रॉटिंग ऐसे। तो कहते हैं कि तेरे प्रसाद से मैं याद आ गई, अब मैं तैयार हूँ, अब मैं चलता हूँ, जो कहेगा करिष्य वचनम तब, तू जो बोलेगा वो खाने को तैयार हो, समझ गया मैं करके धर्म की व्याख्या ये वो सब। तो ऐसे तीन मार्ग है, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार पकड़े अपने, अगर बुद्धि प्रधान जीव है नहीं ये तर्क समझना चाहते हैं तो न्याय मार्ग है, उसके शास्त्र है, वैसे गुरु भी मिलते हैं आज अभी भी है, बड़े बुद्धिमान गुरु है, बड़े तेज गुरु है, बड़े सच्चे गुरु है, भारत भूमि तो पुण्य भूमि है, सबसे सबसे महान भूमि है, मैं तो ज़्यादा इससे दूर रहा हूँ, कहना चाहो तो कह लो मेरा दुर्भाग्य, लेकिन मैं इधर 22 साल ही रहा हूँ और 32 वर्ष में इस बार रहा हूँ, लेकिन ये मैं बात बिल्कुल मान दूँ कि यहाँ पर तो ऐसा कोई समय नहीं है जहाँ पर महापुरुष नहीं है। अभी आज 10-12 तो अच्छे अच्छे बड़े धुरंधर गुरु तो है ही ना, तो उनमें से कोई ना कोई समझा देगा जरूर न्याय मार्ग। तो श्रुति मार्ग की अगर भावना प्रधान कर है, ये न्याय का संबंध बुद्धि का संबंध है, अकल से अगर काम लेना है, अकल वाले हैं, अकल को ही प्रधान मानते हैं तो न्याय मार्ग से चले, उसके भी ग्रंथ है, उसके भी गुरु है, लेकिन हृदय को प्रमुख मान, हृदय प्रधान है, जिससे माइया ज़्यादातर होती है कि प्रेम को ज़्यादा समझती है, विश्वास जिसके मन में है, न्याय मार्ग के विश्वास के संबंध नहीं, विश्वास के दिखाओ सामने दिखाओ, होगा तो दिखाएगा तो मानेंगे, नहीं तो फिर है ना अनुभव करा, न्याय वाले बोलते मेरे को अनुभव करो तो मैं मानूंगा, किसी की क्यों माने, तुम कह रहे हो तो ठीक है भैया बस ये। और श्रुति वाले का हृदय नहीं, मेरा मन मानता है, हम कहते हैं ना बस मेरा मन मानता है, अरे मेरा मन इधर लगता है, मेरे हृदय में लगता है, आई फील लाइक दिस, आई कैन फील इट, व्हाट डज दैट मीन, आई कैन फील इट, आई डोंट नो इट, आई डोंट सी इट, पर आई फील इट, हृदय में लगता है ऐसा। कई बार होता है अपने इंट्यूशन कहते हैं, मन में पता है, आया वांश कहते हैं, इंट्यूटिवली लग रहा है मेरे को, ऐसा लग रहा है, ऐसा शायद है, ये जो सारी बातें हैं ये हृदय का देश है, मन हृदय का देश है, उनके लिए श्रुति मार्ग होता है। और जो आत्मा का मार्ग है, जो एकदम की
बुद्धि के मार्ग के लिए आवश्यकता नहीं, श्रद्धा के नहीं, जो सीधा सीधा खाटा सारा से जंप मार के उधर जाना है, याद रख दिया तो वो स्मृति का मार्ग है जिसमें भगवद्गीता थी। इसलिए मैंने कई शास्त्र, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया, ये जिन जिन जिनके नाम लिए सब शास्त्र पढ़ के हो गया, बहुत विचार किया कितने बड़े वर्षों तक तर्क से सब प्रकार से, और मेरा ये निष्कर्ष निकला कि इंजीनियरिंग पढ़ा हूँ तो इंजीनियरिंग में सिखाते एफिशिएंसी सबसे महत्वपूर्ण, कम से कम में मारवाड़ी लोग अच्छी तरह से समझेंगे, कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे हो। ऐसे मैं भी राजस्थान के ही हूँ लेकिन इंजीनियर भी करीब करीब मारवाड़ी हो किसी भी जात के हो, क्योंकि उनके खोपड़े में फिट किया जाता है कि कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। बिल्कुल बुद्धिमानी की बात, ऐसा ही होना चाहिए, जीवन ऐसा ही होना चाहिए कि कम से कम व्यय करके, क्योंकि ये भगवान का मार्ग है, कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्ति कैसे हो, ये मैं भी ढूंढ रहा था। खर्चा इसमें पैसे का खर्चा नहीं है इस मार्ग में कुछ, लेकिन समय पैसे से कई कीमती ज़्यादा, हमारा जीवन है, चेतना है, हर गिने चुने सांस है, तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझ में अनुभव आए इस मार्ग को ढूंढने का जो प्रयास था, उस पर से सब शास्त्र पढ़ने के बाद विचार कर पता चला कि गीता सम नहीं ग्रंथ। संतों ने कहा ना, गीता सम नहीं, हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं, गीता सम नहीं ग्रंथ। वस्तु अगर मिलानी है, वस्तु इकट्ठा करनी है, वस्तु 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 करनी है, तो वास्तविक वस्तु, जिस वस्तु से सब वस्तु, धर्म धरती धारायण विष्णु महापुराण में आता है, जिसके दम पे सब वस्तु है, उस विष्णु हरि उसके समान कोई वस्तु नहीं है। तो इकट्ठा करनी है तो हरि नाम को इकट्ठा करें अपने हृदय में। हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, ये दान धर्म ये वो सब ठीक है, लेकिन सचमुच में जो प्योर लव जिसे कहते हैं अनकंडीशनल लव, हृदय से हृदय की ठेच जान सके, अगर प्रेम कर सकते हैं, प्रेम का अनुभव लेना देना, तो उससे बड़ी भक्ति नहीं, उससे बड़ा प्रेम भगवान का अनुभव नहीं, भगवान का मार्ग नहीं। सबसे ऊपर रखा भक्ति के भी, भक्ति के बाद प्रेम की प्राप्ति होती है, इस भगवान ने खुद ने कहा है। अगर एक भगवद गीता में बातें आती है, ज्ञान कर्म भक्ति तीन प्रमुख हम लोग जानते हैं, ये तीन में से जो सचमुच में पहुंच जाए भगवान तक, उसको फिर प्रेम की प्राप्ति होती है। तो हरि सम जग कछु वस्तु नहीं, प्रेम पंथ सम पंथ, सतगुरु सम सज्जन नहीं। गुरु तो बहुत होते हैं, कोई ये संगीत सिखाता है, नाचना सिखाता है, ड्राइविंग सिखाता है, लेकिन सत्य की जो दीक्षा दे, सत्य की जो शिक्षा दे, सत्य की जो पहचान कर दे, जगा दे कि रो मत, टेंशन में मत रहे, तू सोया हुआ है इसलिए तेरे को ऐसा लग रहा है सपना, उठ कर उठा दे जो है ना, उसके समान सज्जन नहीं हमारे जीवन में। और कहा कि गीता सम नहीं ग्रंथ, भगवद गीता बिल्कुल सटीक बात है, संपूर्ण विश्व के सभी धर्मों के सभी ग्रंथों के सबसे सबसे सर्वोत्तम, छोटा सा है, 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, और संवाद रूप में 700 में से 630 पाली रखे, 10% को लिया खाली, 70 श्लोक का भी अभ्यास करा, 70 भी ज़्यादा हो गए तो आधा कर दो उसको, होता ना 100 भी कर दो 60, आधा कर दो काट, 10 देंगे 10 लेंगे 10 के जोड़ेंगे हाथ। कोई एक एक कथा थी, एक गुंडा था, वो बदमाशी ज़बरदस्ती करके लोगों से पैसे लेता था, बाजार वालों से, फान वालों से, रिक्शा वालों से, तो कर्जा लेके वापस कभी देता नहीं था। तो एक साहूकार के दुकान में गए और उनसे 100 रुपये ले लिया कर्जे, पुरानी बात थी, 100 रुपये तो बहुत उस समय थे, 100 रुपये कर्जा लिया और अगर वापस देने की बात ही नहीं, लेकिन ये बड़ा पहलवान बदमाश गुंडा, इसको मांगे कैसे 100 रुपये मांगे थे, इसलिए बहुत दिन राह देखी। फिर उन्होंने कहा, वो साहूकार ने कहा, मारवाड़ी थे, गुंडे को कहा कि अच्छा ऐसा करो प्रभु, 100 की कर दो 60, 100 नहीं देना, नहीं दे 60 तो दे दो। तो अपने दिख मुझ करने लगे और डरने लगे, तो फिर पता चल गया तो दो जूते मारेगा। अच्छा 100 की कर दो 60, आधा कर दो काट, 100 के कर दो 60, आधा कर दो काट, 30 तो दे दो भैया, 100 नहीं देते 60 नहीं दे 30 तो दे दो। तो अपने बाहु टपेटने लग गया सीने, तो समझ गए ये इतना भी नहीं देने वाला होगा, और दो जूते लग गए।
सौ की कर दो साठ, आधा कर दो काट, दस लेंगे, दस देंगे, दस के जोड़ेंगे हाथ। बोले दस तो दे दो, दस तुम अपने पास रखो, दस क्या जो दस तो दे दो, कुछ तो दे दो। ऐसा मैं कहता हूँ, सच दस टका 700 श्लोक अगर ज़्यादा होते हैं, ढाई घंटे में पढ़ के हो जाती सारी भगवद्गीता, 700 श्लोक ढाई घंटे में, तो सत्तर नहीं तो उसके आधा कर दो भैया, 35 श्लोक। ये बिल्कुल मैं दावे से कहता हूँ। यहाँ पर हम लोग आते समय एक श्लोक की बात कर रहे थे, है ना, छठे अध्याय के, एक श्लोक को भी पकड़ लिया बराबर ढंग से, अपना ढूंढ लिया एक श्लोक दो पंक्तियों का, इतना सामर्थ्य है भगवद्गीता में, क्योंकि ये वाणी भगवान की है, पूर्ण से आई है, ये हमारी नहीं। मेरे जैसे कि इधर कोई किसी कहाँ किस कहाँ से उठा के लाया, मैंने इधर बिठा दिया, कभी जानती नहीं थी, कह रही लिया कि इनके रिश्ते के कारण आप आए हो। मेरे को क्या जाने, मेरे शब्दों की कीमत क्या, मैं खुद ही कह दूँ मेरी क्या औकात है, मेरी क्या हैसियत है ना। ऐसे बहुत मिल जाते हैं, हर गली में 50 तो मिल ही जाते हैं मेरे जैसे, है ना, ये बात कह देंगे। एक बात भी नहीं कही होगी मैंने यहाँ पे, लेकिन ये गीता भगवान की वाणी है अलग से, इसलिए उसमें हर शब्द में दम है, हर वाक्य में दम है, इसलिए उसमें से एक भी अगर ले लो तो भी काम पूरा हो सकता है। तो फिर एकदम खटाक से याद आ जाएगी मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मेरा और भगवान का रिश्ता क्या है। तो एक बच्चे 5 मिनट में उसको विराम देते हैं, ये बस 2-3 मिनट बाकी हमें। तो ये भगवद्गीता में क्या होता है, 18 अध्याय है, उसके पहले 6 अध्याय, 6, 6 और 6, ऐसे अगर 3 भाग करें गीता के, है ना, 6, 12 और 18, तो पहले 6 अध्याय में इस प्रश्न का उत्तर ज़रूर मिलता है, बराबर मिलता है, फर्स्ट क्लास, मैं कौन हूँ। क्योंकि पहले 6 अध्याय में आत्मा के विषय वर्णन है, और आत्मा के कर्तव्य के, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है। दूसरे अध्याय में जिसका नाम सांख्य योग है, उसमें संपूर्ण आत्मा का वर्णन आ गया। कईयों ने कहा, गांधी ने और कितने लोगों ने, संतों ने, कि दूसरे अध्याय में गीता खत्म हो सकती थी, दूसरा अध्याय में सबसे पूर्ण आत्मज्ञान है करके, है ना। तो वहाँ से लेकर के 6 अध्याय में ध्यान योग, आत्म संयम योग नाम है उसका, कि इसका अनुभव कैसे करें, अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कैसे, बहुत धुरंधर, सबसे पावरफुल, मेरे अनुभव में सबसे समर्थ, सबसे तेज अध्याय 6 अध्याय है। तो मैं कौन हूँ, इसका उत्तर पहले 6 अध्याय में है। भगवान कौन है, इसका अध्याय, इसका अनुभव, इसकी इंफॉर्मेशन 7वें अध्याय से लेकर 12वें अध्याय, 11वें 12वें तक मिल जाती है, क्योंकि उसमें ज्ञान विज्ञान योग नाम का 7वां अध्याय, मतलब से भगवान पहली बार अपने बारे में बात करते हैं। हम लोग तो भगवान का वर्णन करेंगे, संत शास्त्र गुरु, लेकिन भगवान खुद भगवान का वर्णन करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मेरी कितनी कितनी शक्तियाँ हैं, कैसे कैसे सब। तो और उसके बाद फिर माया की नाटक क्या है, अगर मैं ये हूँ, तुम वो हो, हम जुड़े हैं, तो ये बीच में नाटक कहाँ से आ गया, इसका अनुभव क्यों नहीं होता, हम पचड़े में क्यों पड़े हैं, फिर भी दुख क्यों होता है, इतने झंझटें क्यों मोल देनी पड़ती है, ये क्या सब ड्रामा लगा कर रखा। इस सब के उत्तर मिलते 13वें अध्याय से 18वें अध्याय तक, कि जो क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग से, फिर उस पर गुण अत्र उसको बता दे, 3 गुण हैं, सात्विक राजसिक तामसिक, ये 3 गुणों से जो चलता है, ऐसे ये तीनों के उत्तर जब मिल जाते हैं, तभी अर्जुन जैसा महारथी कैसे तक याद आ गया, है ना, वो जो मैंने श्लोक कहा था, स्मृति लगा, पक्का समझ गया, मैं फिट हो गया, एकदम सेट हो गया, भगवान ने सेट कर दिया कहते, अब मैं चलता। इसलिए भी गीता का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि ये पूर्ण ग्रंथ है, और इसको अगर करें तो ज़्यादातर बहुत, इसमें अपनी शक्ति भी है, संस्कृत देववाणी भी है, इसमें अपना सामर्थ्य भी है, तो पुण्य लाभ भी होता है और ज्ञान लाभ भी होता है, भक्ति लाभ, कर्म की तो सीखिए, प्रमुख कर्म का ग्रंथ है, और फिर अंत में प्रेम की प्राप्ति होती है। तो मेरी इतनी ही प्रार्थना है, हाथ जोड़ कर, कि थोड़ा सा समय निकाले अपने जीवन में रोज, इतनी ही, थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, हम लोग इतना ही कहते कि अपने हिसाब से करो, कोई नियम नहीं है, इतने ही बजे उठो और ऐसे ही बैठो, और ऊपर नहीं बैठो, नीचे बैठो, नीचे नहीं ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इतने प्राणायाम को, कुछ नियम नहीं है। गीता में ही, गीताकार ने ही बताया है, सोते हुए पढ़ो,
बैठते हुए पढ़ो, खड़े पढ़ो, ना आए हो ना हो, रात का समय जो भी, तो बस इतना। और जब भी समय मिले थोड़ा सा ध्यान लगाए अपने साथ बैठे, जैसे हमने अभी शुरू में बैठे थे ना, एक 10-12-24 है ना, बराबर है ना बात, है ना। 20-24 मिनट अगर दे सके अपने आप के लिए, 24 घंटे में 24 मिनट अपने आप नहीं दे सकते, ये कौन सा व्यापार है, ये कैसे तुम व्यापारी सक्सेसफुल हो? 24 घंटे जैसे 24 मिनट अपने लिए नहीं है, तो ये तो बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है, इसमें तो नफ़ा कैसे है, तुम्हें समझा नहीं इससे सब। तो 24 घंटे का बराबर परफेक्ट होता है 24 घंटे का ध्यान अगर करे तो, उतना समय दे, थोड़ी सी एक दो श्लोक रोज गीता के पढ़ के, दो श्लोक पढ़े, एक श्लोक पढ़े, लेकिन समझ के पढ़े, याद करने के लिए नहीं पढ़े। याद होना जरूरी नहीं है गीता कंठस्थ हो हम ऐसा वैसा, जिसको होगी होगी मुबारक है, अपने को तो समझना है, याद नहीं हो याद बात करेंगे, समझ जाए तब उस काम बन जाए, है ना, स्मृति प्राप्त हो जाए। तो थोड़ी गीता और थोड़ा ध्यान, और उसके बाद थोड़ा अपने हो और कृपा करनी हो मेरे पास, तो फिर प्रेम से कहते जय श्री कृष्ण। अच्छा, एक्चुअली मैं भी मेडिटेशन और ध्यान कर रही हूं इन दिनों में, मुझे बहुत बार एक प्रश्न हो रहा था, मैं कौन? अच्छा, और मैं क्यों आया? हां, इस सवाल का जवाब मेरा पिछले एक साल से चल रहा है। अच्छा, मुझे बार बार वही हैंडलिंग हो रहा है, आज अचानक आप मिले, ये विनय सर का मेरे लिए संदेश बना, इसीलिए मैं आपको ये जवाब करती हूँ कि आपने बोला है कि गीता में इसका आंसर मिलेगा, गीता में भगवान ने ये बोला कि मैं कौन हूँ, भगवान नहीं जाते, मगर मुझे मेरा ये आंसर होना कि मैं कौन हूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अच्छा, ठीक है, देखो हेमा जी 10,000 मील से दूर से यहाँ पे मेरे को इसके लिए पहुँचाया है ना, आपकी आपकी जो ध्यान की आपकी जो शक्ति है वो खींच के लाई, बहुत सटीक प्रश्न है, ये प्रश्न सबको आना चाहिए, और अगर ध्यान करे तो ये प्रश्न आता ही है, मैं कौन हूँ, है ना, अगर ढंग से ध्यान करे तो, क्योंकि थोड़ा कचरा कम हो जाता है जब ध्यान में बैठते, तो थोड़ा बाहर का, पहले 6-7 मिनट कचरा चलते रहते और ज़्यादा बढ़ जाता है, पहले 6 मिनट तो ज़्यादा प्रश्न आते, लेकिन शांति जब हो जाए तब आने लगता है कि अरे व्हाट इज़ ऑल दिस, ये सब क्या है ना। तो भगवद गीता में बिल्कुल ज़रूर है उसके इसके उत्तर, मैं कौन हूँ, ये पहला प्रश्न था आपका, और दूसरा उसमें क्या है, मैं क्यों आई हूँ। हाँ बिल्कुल, तो इसका मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा, दूसरे अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक अगर अभ्यास करें ढंग से, तो भैया गीता योग पे अगर ये आ जाए तो मैं उनको अपनी लिंक भेज सकता हूँ जिसमें डिटेल में विश्लेषण किया है इन विषय पर, तो भैया से है ना, तो अपने आत्मा का परिचय कराती है, मैं कौन हूँ, मतलब इसका पहले उत्तर नेति 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 शब्द ये सुना होगा ना, वेद न इति न इति न इति, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं, पला के पहले अभी तो समझा कि मैं हेम, आपने अपना परिचय दिया, मैं हेमा सारडा हूँ, तभी मैं कह सकता तुम हेमा सारडा नहीं हो, क्योंकि तुम्हारी पक्की धारणा होगी कि मैं हेमा सारडा हूँ, और कह रही हो मैं कौन हूँ, ये तो मतलब क्या हुआ, अभी मेरे को अपने परिचय दे रही कि मैं हेमा सारडा, और कह रहे प्रश्न है मैं कौन हूँ, मैं क्या बताऊँ, तुम्हें नहीं मेरे को बता दिया, मैं तो नहीं जानता था हेमा सारडा, इसका मतलब ये हुआ ना कि गलत है ना, हेमा सारडा हो ये बात गलत है ना, झूठ है ना, नहीं तो प्रश्न कैसे होता था कि वो, तो इसको कहते न इति, मतलब ये नहीं है, मैं हेमा सारडा हूँ ये नहीं, न इति, मैं स्त्री हूँ, मैं किसी की माँ हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की बेटी हूँ, इसके लिए क्या न इति न इति, ये भी नहीं है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इन्हें में से कुछ नहीं है, गलती से मान लिया, जैसे ये बैठ के कहने मैं नीला हूँ, मैं नीला हूँ, मैं नीला हूँ, मैं बोला भाई मेरे बाप नीला नहीं है तू, जो कुर्ता पहन लिया नीला, अपने आप को नीला, मैं हट कर जिद करने लग जाऊँ, मैं गेरुआ, इस शरीर को धारण कर लिया, और किसी ने नाम, तुमने तो अपने साथ नाम नहीं लाया था, है ना, किसी ने कह दिया हेमा है, इनका नाम सारडा है, तो बस अपने को मान, ये मान लिया है ना, चलो ठीक है तुम कहते हो तो मान लेते हैं, अभी जाना नहीं है, है ना, तो ये पक्का 100% नहीं 1000% बात है कि न तुम स्त्री हो न हेमा सारडा हो, ये सब तो हो, लेकिन इससे 1,000, 10,000, 1,000,000,000 पर ज़्यादा हो, मतलब इतनी ज़्यादा हो, संपूर्ण ब्रह्मांड को विश्व को व्यापक करके जो नारी शक्ति है, नारायणी जो है, वो तुमसे और अलग कोई नहीं है माँ, वो तुम ही हो, लेकिन अपने आप अपने विशाल सागरपन को भूल बैठी हो, और पक्का आगे नहीं, मेरे को इन्होंने लहर कह दिया है, मैं लहर हूँ, मैं लहर हूँ, अभी बनी हूँ बह रही हूँ,
देखो थोड़ी बड़ी भी हो गई, मेरे दो चार बच्चे जुड़ जुड़ गए, मेरे आजार ये भी देखो, मैं इतनी बड़ी हो गई, थोड़ा डर लग रहा है लेकिन आगे पत्थर दिख रहा है, टूट जाऊंगी, मर जाऊंगी, फिर क्या होगा करके। और ऐसे ही होता है फिर, क्योंकि अपने आखिर क्षण तक इतना ही माना और टूट जाती है, कहते आजू बाजू की लहरें कहते हैं अरे ये टूट गई, ये मर गई, फिर से दूसरे। ऐसे नहीं हो तुम, लहर किससे बनी है? लहर जल से बनी है ना, पानी से बनी है ना, वो तुम हो। वो दूसरे अध्याय में सिखाते जो आत्मा है, जो शंकराचार्य का आत्मशतकम नाम का ग्रंथ है, आत्मशतकम, किसमें न मैं बुद्धि नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, शिवोहम ब्रह्म स्वरूपोहम वाला निर्वाण शतकम, आत्मशतकम दोनों नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके अभ्यास करके, डिस्ट्रैक्शन इसमें मुश्किल ही होती है, डिस्ट्रैक्शन बहुत आ जाते हैं, पांच बातों की डिस्ट्रैक्शन कंटिन्यूस जाते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, है ना, कि जो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, और किसी का कुछ और कुछ सुन रहे, बच्चों का सुन रहे, सहेली का सुन रहे, पॉलिटिक्स की बातें सुन रहे, ओलंपिक्स की बातें सुन रहे, जो भी ये सुन रहा सुन रहा सुन रहे, शब्द का डिस्ट्रैक्शन अपने मूल पद से हट गए, उसमें खो गए। ये छठे अध्याय में बात आती है आत्म के, या तो फिर स्पर्श सुख में, या तो रूप मतलब देखने में, ये देखते वो देखते मूवी देखते, नहीं तो वेकेशन पे जाते हैं उधर जाके, रूप में भूल गए, या तो फिर आईने में खुद को देखते हैं, अपने ही रूप में भूल जाते हैं कि इसको ठीक करना है, वो मेहंदी लगानी है, अभी काले दिख रहे, सब रूप 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 में भूल जाते हैं, है ना, क्रीम लगा के झुरियाँ नहीं दिखनी चाहिए। तो शब्द स्पर्श रूप या रस में, रस मतलब खाने पीने का, भोजन का, इसकी रेसिपी क्या है, उस शेफ़ ने क्या दिया, इस चैनल पे क्या चल रहा है, ये वो सब। अभी दोपहर में आज विष्णु मनोहर जी से मिलना, वो मित्र है, तो वैसे उनको चिढ़ाया जाता है कभी कभी, सबको बुलावे में डाल दिया गया रस रूप में, या तो फिर गंध में। तो ये पाँच के इतने ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है हर क्षण, कि वो पाँचों का जो अनुभव कर रहा है, जिसको ऋषिकेश कहा था, ये उपनिषदों में बात आती है, मेरा मसाला नहीं है, कि मेरी आँखों ने देखा, ये तो आँख तो मांस हड्डी मांस से बनी हुई कैमरा है, ये तो खाली जैसे इसका कैमरा है वैसे इसका कैमरा है, लेकिन अंदर कौन देख रहा है? श्रोत्रस्य श्रोत्र, कहते आँखों की जो आँख है, आत्मा वही अरे तू, कि वो तू आत्मा है, चक्षु से चक्षु, श्रोत्र मतलब कान, श्रोत्र कानों से जो सुन रहा है, कानों से तो अंदर अंदर आ जा रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है अंदर में, आँखों से चित्र खींच रहा है लेकिन देख कौन रहा है, ना स्पर्श करके समझ रहा है ये ऐसा है वो ऐसा है, ये तो स्किन को लग रहा है लेकिन अंदर कौन जान रहा है, ये मुलायम है ये खड्डा है, ये कभी ये जब सोचेंगे, या तो जिह्वा पर रखा ये मीठा है ये तीखा है, ये तो जीभ तो लुली है तो लेती है अंदर डाल देती है, अंदर किसको जान रहा है ये ऐसा है। और वो पाँचों मिल के एक कौन है कि जो ये सब बातें समझ जाता है, हर समय समझ जाता है, नींद से भी जाग जाता है, मैं सोती भी हूँ तब भी वो मेरे साथ होता है, क्योंकि मैं जागती हूँ तो दूसरी बन के तो नहीं जागते तुम, कि कल मैं हेमा सरडा थी अब आज कोई दूसरी बन गई, बचपन की हेमा सरडा बूढ़ी हो जाएगी तब तक वही मेरे सब याद रहेगा, क्योंकि वो सबों में एक धागा था, है ना, सब सारे फूलों में एक तू थी आत्म रूप से, वो सब देख रही थी, मैं छोटी बच्ची थी, सहेलियाँ थी, दो चोटी लगाती थी, लाल रिबन लगाती थी, स्कूल में ये पढ़ी थी, एक बार साइकिल से गिर गई थी, ये सब, फिर बाद में मेरे को देखने को आए, चाय पोहे बनाए, फिर मेरा ब्याह हो गया, अब ये सब देखने वाली कौन है, अभी मैं दादी बन गई, नानी बन गई, वो अभी दादगिरी, ये सब कौन जान रही है? नहीं वो तो थी, तो वो तो निकल गई, छोटी कहाँ रही तू, वो तो चली गई, जवान भी कहाँ रही, बूढ़ी भी कहाँ रही, तो वो तो फिर बदलनी चाहिए ना। एक साक्षी है, उसके लिए का साक्षी ज्यों का त्यों, उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम, ये भगवद गीता में आता है कि वो जो दृष्टा जो है, जो देखने वाला है आत्म रूप से, वो न स्त्री है न पुरुष है, स्त्रीलिंगी पुरुष लिंगी नहीं, वो आत्मा है, उसमें लहरें लग जाती है, उनके नाम रखे जाते हैं, वो तू है, कि तेरा इससे कुछ संबंध नहीं है, ये खाली धारण किया, अरे घर जाके इसको निकाल दूंगा मैं कपड़े, तो इसको टंगा दिया तो कहा मैं नहीं टंगया है ना, मैं तो मैं जैसा कह वैसा हूँ वैसे। ये दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक बातें आती है। ये पहला प्रश्न था मैं कौन हूँ, और दूसरा प्रश्न था पृथ्वी पर क्यों आई हो, तो उसके फिर बाकी के जो अध्याय है उसमें आता है कि तुम आई कहीं से नहीं हो, कहीं से टपक पड़ी, किसी ने भेज दिया, दो जूते मार के भगा दिया, किसी को स्वर्ग में डाल दिया, किसी को नरक में डाल दिया, किसी को, ऐसा नहीं हुआ, तुम अपने
अपने ही मन से बना करके, विश बना करके, जैसे जैसे कर्म में जो भी वासना जागृत हुई आई, इसलिए हो कि पिछले जन्म में कुछ वासना जागृत हुई, कुछ प्राप्ति चाहिए थी, कुछ करना था, कुछ अनुभव करना था, या तो बच्चे बना के देखने थे, या बड़ा नाम कमा के करना था, या बहुत खा पी के देखना था, या समुद्र में तैर के देखना था, या आसमान में उड़ के देखना था, जो भी, या तो जो भी दिखे उसको कच्चा फाड़ के खाना था, तो फिर शेर बन गए, पंछी बन गए, मछली बन गए, ऐसे करते करते। लेकिन जब ये सबसे थोड़ा शांत मन हुआ तब मनुष्य ने में, तो अभी यहाँ पर एक ही कारण दिया कि अभी कुछ वासना बाकी है मन में। वासना करते तो समझते ना, कोई अतृप्त जो अपूर्ण इच्छा है, इनकम्प्लीट डिज़ायर, दैट समथिंग इज स्टिल रिमेनिंग, इट्स नॉट कम्प्लीट, आई स्टिल वॉन्ट समथिंग मोर, इट डजेंट मैटर कितना धन वैभव हो जाए, नो आई स्टिल वॉन्ट समथिंग मोर। वो मोर 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 में कितने मिलियनियर्स, बिलियनियर्स, अभी तो ट्रिलियनियर्स, कितना नाम, लेकिन फिर भी दे वॉन्ट मोर, फिर भी ठंडे नहीं होते हैं ना। या तो फिर कितने कॉन्टैक्ट्स है, कितना कुर्सी, कितना पावर है, प्राइम मिनिस्टर बन गए, प्रेसिडेंट बन गए, या तो पुतिन को अपने रशिया ने अभी यूक्रेन फिर से चाहिए, उसके बाद ये चाहिए वो चाहिए, उसको क्या करना है, जितने इतने इतने पर सोएगा ना, सोने के लिए तो इतनी ही जगह है उसके लिए भी, जैसे खाएगा तो इतना पेट का खड्डा भरेगा, उतना ही खाएगा ना, ढाई मुट्ठी होती है ना, जिसकी जितनी मुट्ठी होती है साथ में उसकी ढाई मुट्ठी, वैसे कहते इतनी मुट्ठी भर ही खाना चाहिए, इसके बाद जब ज़्यादा खाता है उसको अपचन बीमार, और पेट का पूरा साइज ढाई मुट्ठी इतना होता है बस, तो कोई भी खाएगा उतना ही, सोने के लिए उतनी जगह लगेगी, कपड़े एक सूख रहे और एक, लेकिन उसके लिए कितना व्याप करके रखा, क्यों, क्योंकि मन में कुछ हो गया, अरे अभी पूर्ण नहीं है यार, अभी तो और कम इनकम्प्लीट है, अभी तो और मिलना चाहिए था ना, इतने से नहीं हो रहा, क्योंकि चेतन जो आत्मा जो है वो सचमुच में संपूर्ण है, तुम वास्तविक में पूर्ण हो सबसे में, और अपने आप को छोटा मान बैठी हो कि मैं तो इतनी हूँ, ये कभी तक शांत हो गई ही नहीं वासना, कभी जब तक पूर्ण का अनुभव नहीं होगा, जन्म से जाते ही रहेंगे, इसलिए 84 लाख की व्यवस्था करके रखी, खा के देख लो, उड़ के देख लो, फाड़ के खा के देख लो, तो नहीं तो वृक्ष के नए सब वो सह के देख लो, नहीं तो जमीन के नीचे धस के देख लो, लेकिन जब तक, इसलिए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते है ना, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते, वेदों में आता है कि तू इतना पूर्ण है, कितना पूर्ण है, कहते ये यमराज नचिकेता की बातें आती है, कठोपनिषद में श्वेत केतु नाम के ऋषि थे, उनके पिता के साथ छांदोग्य उपनिषद में थे, तू इतना पूर्ण है कि तेरे में से पूर्ण को निकाल ले लिया, ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम, तो भी जो बाकी रहेगा वो फिर से पूरा रहेगा, इतना इतना ज़्यादा है पूर्णति, इधर मतलब इधर भी है उधर भी सब और फैला हुआ है, लेकिन ये मानते नहीं, हम इन बातों को मानते नहीं, वो किसी महात्मा के लिए शायद होगा, वो हमारे लिए नहीं है, इतनी सी गलती है बस, हमने सोचा वो सामने बैठे हैं ना सफ़ेद वस्त्र पहन के दूर दिखाई दे रहे, वो है पूर्ण पुरुषोत्तम, पूर्ण पूर्वक हम नहीं हो सकते, और भगवान राम जी आए रामायण में कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, कृष्ण ने कहा गीता में अहम आत्मा गुड़ाकेश, अरे मैं तेरा पूरा आत्मा बन के बैठा हो, मेरे मम एव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन, 15वें अध्याय में कोई मरता है मुर्दे के सामने कहते 15वां अध्याय, वो कहते मेरा अंश है ये, लेकिन बातें या तो पहले तो जानते ही नहीं है, सुनते नहीं है, समय नहीं है, बहुत बंधन एक सागर में है, और वो एक सागर ही सारे लहरों में है, ऐसे मेरे में भी वो है, तेरे में भी वो है, सब मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, तो मेरे में भी है, यहाँ तो मैं नहीं हूँ राम ही है, ये अनुभव करने के लिए यहाँ आई हो, वहाँ जाने के लिए कर्म योग का मार्ग होता है, अपने लिए कुछ ना करे, बाकी के सब यज्ञ भावना से करे, सब के लिए जो सहायक हो, यज्ञ का अर्थ ही होता है जो सब के भले के लिए कार्य किया जाए, वो यज्ञ, उसमें स्वार्थ नहीं होता, ये ऐसा अगर जीवन जिए तो अपने और परमात्मा के एकता का अनुभव अवश्य हो सकता है, फिर उद्देश्य जीवन का पूर्ण होगा, और उसके बाद भी फिर कभी प्रश्न नहीं, खाली उत्तर रहेगा, है ना, तो गीता से जुड़ जाए तो आपको पता चलने लग जाता, बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ डर गए अगली बार इस एडवर्टाइज के बाद। अरे मैं सोचा हो गई छुट्टी।
प्रश्न ये है कि ये जो ये छूटता क्यों नहीं है, जो अपने अंदर जो मतलब जो गलत चीज़ होती है वो बार बार उसका विचार आता है, अगर कोई गलती हो रही है, मालूम भी पड़ रहा है गलती हो रही है और ये समझ में आ इस तरीके से इसको बदलना है छोड़ना है, फिर भी वही वही बार बार उसमें ही मन जाता है, तो ये कौन सी चीज़ तकलीफ दे रही है, कौन सी कहाँ रुका है वो चीज़, सब मालूम हो गया सब कुछ हो गया लेकिन वो चीज़ बदलने की तैयारी भी हो रही है सब लेकिन बदल नहीं रही है, क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे ख्याल से आपने एक बार प्रश्न और एक बार ऐसे पूछा था, इसी टाइप का प्रश्न पूछा था, स्टारबक्स में बैठे थे शायद और कहीं मिले थे मे बी, नहीं आप लोग डीसी में जब आए थे उस समय, और ये बड़ा ये भी महत्वपूर्ण और कॉमन प्रश्न है कि समझ रहे पढ़ चुके हैं लेकिन काम क्यों नहीं होता है, है ना? इसका भी उत्तर भगवद गीता के 14वें अध्याय में मिलता है जिसका नाम है गुण त्रय विभाग योग, है ना? छोटा सा अध्याय, बड़ा सुंदर, बड़ा मीठा, बड़ा पावरफुल, बड़ा ही फर्स्ट क्लास एकदम धुआंधार अध्याय है गुणत्रय विभाग योग, और इसका उत्तर भी मिलता है प्रश्न का और क्लैरिटी भी आती है। उन्होंने कहा कि अब हम गुणों के साथ जुड़ गए, सात्विक, राजसिक, तामसिक, अच्छा बुरा मिक्स जो है, ये अच्छा है ये बुरा है, वास्तविक में हम गुणातीत है, हम इनके ऊपर वाले हैं, है ना? अभी मेरे उत्तर से इतना समाधान नहीं होगा जितने इसे 100 गुना ज़्यादा होगा जितना तुम अपना पढ़ के इसका विचार करोगे ध्यान में तब, लेकिन बहुत संक्षिप्त में कह रहा हूँ क्योंकि भूख भी लग रही होगी और लंबा जाना भी है, लेकिन हमने अपने आप को जो संग कर लिया गुणों के संग में, है ना, गुणों के संग के कारण एसोसिएशन कि नहीं मैं हम ऐसे ही हम लोग ना हम सात्विक हम यही खाते हैं, हम लहसुन प्याज नहीं खाते, अतः चतुर्मास चल रहा है, श्रावण मास चल रहा है, ऐसा नहीं कहते थे क्योंकि हम गुरु वाले हैं, वो तो निगुरे है, हम भगत भक्ति वाले, ये ऐसे वो वैसे, ये जो लाइन लकीरें खींच दे ना, मान लिया कि नहीं नहीं हम इधर वाले उधर वाले ऐसे, तो कोई सात्विकता से जुड़ गया, कोई राजसिकता से, कोई तामसिकता से, अरे कुछ नहीं होता सब खाओ पियो, ऋणम ये कहते हैं ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, लोन लो, ऋण मतलब लोन लो और घी मतलब लो ना, तो लोग मॉर्गेज ले लो बनाओ जो जैसे कुछ नहीं होता ऐसा है, तो सात्विक है राजसिक है तामसिक प्रवृत्ति के, हम जिसके साथ जुड़ गए वो फोर्स है, उसको फोर्स ऑफ नेचर कहा है, वो बड़ा प्रभावशाली भगवान की शक्ति है ना, सातवें अध्याय में भी इसका उल्लेख आता है कि भगवान की ये महामाया जो महाशक्ति इसके साथ अगर हम जुड़ गए तो उसके प्रभाव में बह जाते हैं, जैसे नदी के प्रभाव में बह जाते हैं, ऐसे छोड़ना तो चाहते लेकिन छूट नहीं पाते, इसलिए वो तो उसका सहारा छोड़ के भगवान का ही जो सहारा ले, है ना, जैसे छाया के पीछे 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 भागे तो थक जाएंगे मर जाएंगे लेकिन छाया को पकड़ नहीं पाएंगे, और छाया के पीछे तभी भाग जाते हैं जब सूर्य के विमुख होते हैं, छाया उधर भागती है उसके पीछे, लेकिन उसके पीछे भागना छोड़ दे जिसके पीछे जो छूट रहा नहीं है, भैया तुम कहते हो ये छूट रहा नहीं है तो ये इसने पकड़ के रखा है मेरे को, मुसीबतों ने पकड़ के रखा है, ये धंधे छूट नहीं रहे मेरे से, ये इसने मेरे को पकड़ा है कि मैंने इसको पकड़ा है, अगर मैं छोड़ो मेरे को छूट नहीं रहते, मैंने छोड़ दिया तो छूट गया ना, तो ऐसी बातें अष्टावक्र महामुनि अष्टावक्र गीता में कहते हैं जनक राजा को कि जो बंधा अभिमानी बंध और मुक्ता अभिमानी मुक्त हो, जो अपने को बंधा समझता है वो बंधा ही है और बंधा ही रहेगा, और जब जो अपने आप को छूटा समझता है, जो छोड़ने को तैयार है कि नहीं है मेरे को झंझट नहीं करना है, मिल होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, अपनी ओर से धुआंधार प्रयास करे, फर्स्ट क्लास काम करे लेकिन बिंदास रहे बिल्कुल हर समय कि होगा तो होगा नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन अपनी ओर से कम नहीं, तो छूटा हुआ ही है, जीवात्मा बंधा नहीं है, माना हुआ है लेकिन पक्का समझ लिया, पक्का मान लिया नहीं करना पड़ता है लोक लज्जा के लिए, लोग क्या कहेंगे, तो फिर चलो घिसते रहो पिटते रहो, लेकिन अगर हिम्मत रख के धैर्य से कह के नहीं मैं बंधा नहीं हूँ, छोड़ने के देखो जबरदस्ती किसी की ज़बरदस्ती नहीं, मैं स्वतंत्र हूँ, तो उसका अनुभव तुरंत होने लग जाए कि हाँ यार काम बन जाता है करके, है ना? तो ये भ्रम जो हुआ है वो गुणों के कारण होता है, तो 14वें अध्याय का अगर अभ्यास करे, इंटरनलाइज करे, ध्यान करे, फिर से कहता हूँ थोड़ी गीता थोड़ा ध्यान, थोड़ी सी गीता पढ़े उसी पद पर ध्यान करे तो पक्का उत्तर मिलेगा इसका अपना। धन्यवाद, जय श्री कृष्ण, तीसरी बार हो जाए। चलो, If these videos are helpful, please share them with others. Like and subscribe to help spread the message of Krishna. Jai Shri Krishna.